तो फिर जो कमोड है, कई बार आप लोग देखा होगा कई जगह पे क्या करते हैं कि अभी जैसे मैं दिखाया 1 इंच पाइप प्लस लिया, ऊपर लिया, उसके किनारे व्हाइट सीमेंट लगा के कमोड को उसके ऊपर रख देते हैं और वो थोड़ी देर के बाद टाइट हो जाता है, वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो एकदम गलत तरीका होता है, बाद में उसको रिमूव नहीं कर सकते, कमोड टूट भी सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा नहीं करना है, इस तरह से जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ इस तरह से करना है, ताकि 1 या 50 बार आप उसको खोल सके या कहीं भी लगा सके ले जाके, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए होल दिख रहा है, यहाँ सिस्टम का पाइप आएगा प्लस वाला, तो इस एरिया में आउटर प्लस लगाऊंगा, ये प्लस का पॉइंट है, तो अभी प्लस लगा के दिखाता हूँ कैसे फिट होता है। और भी कई वीडियो है हमारे चैनल पे प्लस वाला सिस्टम का, ठीक है। तो चलिए देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए ना, सभी यही है सिस्टम इसका, ठीक है। तो इसको यहाँ पे फिक्स करूंगा मैं, लाख है इसका, इस तरह से निकाल लेना है, कवर अलग हो जाएगा। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, इसका ये एल लॉन्ग बैंड नाम है इसका, एल बैंड, और ये यहाँ फिक्स होगा, ये इसका बार बार है, फिक्स कर लेता हूँ मैं फटाफट इसको। ये वाशर इसका, ये कमोड के पीछे लगेगा, और ये ब्रेकेट है, जब यहाँ फिक्स होगा तो इसके ऊपर स्टेशन टांगा जाएगा, इसके सहारे प्लग दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है दोनों तरफ दिया रहता है, ठीक है, एक या चाहे इधर भी लगा सकते हैं और इधर भी लगा सकते हैं, जो ये वाला दिखाई दे रहा है। तो अभी इसको मैं निकाल के यहाँ लगाऊंगा, क्योंकि जो हमारा पॉइंट है सिस्टम का वो देखिए यहाँ पे है, वो यहाँ दिया हुआ, ठीक है। तो अगर इस तरह से लगाते हैं तो यहाँ कनेक्शन पाइप हमको ज्यादा लंबा खींचना पड़ेगा, इसलिए इसको यहाँ पे लगाऊंगा मैं इस तरह से, और ये वाला बंद करूंगा। ये निकल के इधर लगा देता हूँ, ये इधर लग गया। तो इधर लगाने के लिए इसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, ये वाला अभी इसको निकालना पड़ेगा हमको। निकल गया ये, अब ये इस तरह से लगेगा। ये वाला अभी नीचे लगा था पहले, तो इसको ऊपर लगाऊंगा यहाँ पे मैं, यहाँ पे लगेगा इस तरह से, क्योंकि ये ऊपर आ गया ना, अब ये पुश करेगा तभी बंद होगा ऑटोमेटिक। देखिए इस तरह से इसको लॉक कर देता हूँ, अब इस तरह से ये काम करेगा। यहीं से फैंस जो है, यहीं से पानी एडजस्ट होता है कि हमको ये जो बॉक्स है इसको कितना लीटर इसमें भरना है, फिल करना है, ठीक है। जैसे जैसे ये धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो ये जो है यहाँ पे इसके अंदर वाशर है, मैं अगले वीडियो में विस्तार से बताया हूँ, खोल के दिखाया भी हूँ, ठीक है, इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। तो जब ये पुश होता है, तो ये यहाँ से जब पानी गिरता है, तो यहाँ जब ये पुश करता है वाल लगा, तो यहाँ से पानी बंद हो जाता है। टाइट कर लेना इसको,
देखिए तो अभी बहुत कम पानी आएगा, इसमें बहुत नीचे है, यहीं पे लॉक हो जा रहा है, इसको और ऊपर लूंग लेना है मुझे। इसको टाइट कर लेना है इस तरह से। देखिए अभी ये हो चुका है, ठीक है। कवर को लगा लेना इसको इस तरह से, इसको वाशर। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी इसका मार्किंग कर दिया हूँ मैं, एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, और अभी 6 mm का जो ड्रिल बिट है उससे लगा के होल करना है इसमें। इधर पाइप नहीं, भी ध्यान रखना है पाइप नहीं है। हाँ तो मेरा पाइप नहीं है यहाँ पे, मैं होल करूंगा इधर। प्लग को इस तरह लगाना है, टाइट कर देना इस तरह से। पूरा फुल टाइट रखना है, सीधा रखना है, क्योंकि इसके ऊपर ही 10 लीटर का वजन रहेगा। इस तरह से लगाना है इसको इधर से। ये भी टाइट हो चुका है, तो अभी इसको देखते हैं इस तरह से। ये लॉक में जाके इस तरह से ये लॉक हो जाता है। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, ये लॉक हो चुका है और ये वाशर का ध्यान देना है। देखिए अभी फिर से ये लॉक हो चुका है, ठीक है, और वाशर का ध्यान रखना है। जब नीचे वाला वाशर दिखाई दे रहा है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए जैसे ये बॉक्स, ठीक है, तो पानी लीक करेगा इसमें। इसको इस तरह से टाइट करूँगा।
चुका है, लग चुका है सिस्टम। ठीक है फिर इसका कवर लगा देता हूँ। ये इसका कवर है, इसमें बाथरूम फ्रेशनर रखने के लिए दिया हुआ जगह, इस तरह से इसको लगा दूंगा। अभी ये कनेक्शन पाइप है, ये कनेक्शन पाइप है, टाइट करना है इसको इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये नीचे था तो इसको पलट दिया हूँ मैं, ऊपर कर दिया हूँ, क्योंकि कनेक्शन पाइप जो था वो मुड़ जा रहा था। इस तरह से इसको टाइट कर लेना है। ये भी टाइट हो चुका है, ये भी टाइट हो गया है। यहाँ से ऑन कर देना है, देखिए आवाज़ आया, इसके अंदर पानी भर रहा है, और जब भर जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। पानी भर रहा है जब तक इसका हम कवर लगा लेते हैं। ठीक है, कवर लगा लेता हूँ मैं। तो देखिए बस इसका ये रहा, ये कवर है इसका इनवेयर वाले का, और ये इसका इसको टाइट करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको फिक्स करूँगा मैं। तो अभी जेट नहीं है मेरे पास, यहाँ जेट भी लगता है इसके ऊपर। ठीक है, जेट लगता है, तो जेट नहीं है अभी मेरे पास, तो बिना जेट के इसको फिक्स करूँगा, बाद में जेट लगा दूंगा। ये जो था इसके अंदर लगा हुआ रहता है, तो अभी इसको निकालना है इसको। इस तरह से निकाल लेना है। अभी ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, अब इसमें इसको लगाना है। तो कहें सबका अलग अलग फिटिंग होता है, हिंदवेयर का कई मॉडल का मोड आता है, तो उसमें हर का सब WC में अलग अलग फिटिंग होता है, और मेरे चैनल पे भी ये 3-4 वीडियो है, देख सकते हैं। अभी ये हिंदवेयर का लगा रहा हूँ मैं। फिर सभी ये वाले को इस तरह से लगाना है, दूसरे वाले को भी इस तरह से, और ये जो दिखाई दे रहा है ये कमोड का ये जो कवर है, दोनों में इस तरह से फिक्स होगा। देखिए ये लग चुका, अब इसको इधर से लगा दूंगा मैं। देखिए अभी लग चुका है। ठीक है, तो इसका फिल्म मैंने निकाल देता हूँ पहले। तो अभी इसको लगा दूंगा, इस तरह से लगाना है। और इसका ये कवर है। ठीक है, लॉक हो चुका है। अब इसका ये नट बोल्ट से टाइट करना है, प्लास्टिक का है ये। ये घूम रहा है तो इसको पकड़ लेना है हाथ से। तो दोस्तों देखिए अभी इसका कवर भी लग चुका है। ठीक है, टाइट कर दिया हूं मैं इसको।
ये इसका पहला कवर है ठीक है, और इसके ऊपर अभी बैठा जाता है टॉयलेट के लिए, ये जो इसके ऊपर बैठा जाता है, और अभी ये दोनों उठ गया ठीक है। इस तरह से इसका लॉक रहता है, लॉक लगा दिया हूँ मैं। तो दोस्तों इसका वीडियो पूरा हुआ। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की जानकारी के लिए इलेक्ट्रिकल का टेक्निकल।